12 साल के बच्चे की बिजली के कारण हुई मौत। वडाला के कोकरिया नगर में कल शाम 6 बजे 12 साल के बच्चे आतिफ नफीस बेग, जो एसके रॉयल स्कूल की कक्षा 6 में पढ़ता था, उसकी मौत बिजली के कारण हुई। लोगों का कहना है कि उनके इलाके में चोरी की लाइट और पानी के माफियाओं के कारण यह हादसा हुआ। अभी रात को इसको अरेस्ट किया गया, मुझे ये भी नहीं पता है कि किसने एनसी दी, किसने क्या किया, मुझे ये भी नहीं पता। अब भी जब मुझे दोपहर में पता चला कि एनसी हुआ है, तब मैंने चौकी में जाके आरटीओ चौकी में जाके देखा, तो वहाँ से पता चला कि उसको कोर्ट भेज दिया गया। एक बार भी इन पुलिस वालों ने ये नहीं सोचा कि हमको बुला के पूछना तो चाहिए कि माँ क्या चाहती है। और यहाँ पे लाइट लगा के, लाइट तो चोरी की बेइज्जती की, पानी तो चोरी का, सब चोरी का, अपनी अपनी जेबें भरते और हम लोग के बच्चे मारते हैं। ऊपर से बोलते हम लोग 10-20 हजार रुपए फेंकते हैं, पुलिस वाले हमारी जेब में चलते हैं। पुलिस वालों का क्या है? पुलिस वाले अभी कहते हैं कि हम क्या कर सकते, कोर्ट भेज दिए, अभी जो करेगा कोर्ट करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये नब्बू बब्बू वो मशीन मोटर चलाता है, जिसका मोटर है। कल नाइट में रात को 11 बजे लेकर आया, 11 नहीं सॉरी 1:15 बजे लेकर आया, वो भी जबरदस्ती उसको पकड़ा गया। बाकी हमको चाहिए बच्चा हमारा गया तो बच्चे के बजाय हम चाहिए, आदमी चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। भले हमको पानी नहीं चलेगा, पब्लिक हमारी प्यासी रहेगी, हम कुछ भी बेंसी से करेंगे, बेस्ती से करेंगे, लेकिन हमको बच्चे का इंसाफ चाहिए। उसको चाहिए तो बच्चे के बजाय बच्चा, फिर उसको जान देनी पड़ेगी। पुलिस एफ आई आर कर दी, सब कुछ कर दिया, पुलिस इस वक्त हाथ ऊपर है, हम कुछ कोर्ट में से आप लोग करो। और हम क्या बोलना चाहते ना, वो लोग सुनने के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये चौथी बार है, चौथा बच्चा ये हो चुका है, ये इसके पहले भी हो चुका है। पैसा खा के, हर बार पैसा खिला के लोग आगे वाले बात को खत्म कर देते हैं, और पुलिस वाले भी आगे कार्रवाई कुछ नहीं करते। अगर हम लोग एनसी लेके जाते हैं ना, तो हमें कुत्ते लोगों के जैसा हड़ तोड़ करते, पर वही अगर गुंडे लोग जाते हैं ना, तो उन लोगों हाँ साहब करके बिठाते और मस्त उनकी ठंडाई वाई करते हैं लोग, ऐसा होता है। यही वो जगह है जहाँ आतिफ 12 साल के लड़के की मृत्यु हो गई है करंट के कारण, यही वो जगह है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ में चश्मदीद गवाह है जो ये यहाँ पे जब मौजूद थे जब ये हादसा हुआ था। जी मैंने, हम लोग 4 फ्रेंड के साथ हम लोग खड़े थे, तो 2 बच्चे हमारे पीछे आए, अंकल देखो शौक लग रहा है, ठीक है शौक लग रहा है, तो हमने बोला यार शौक तो लग रहा है, तो मेरे को कुछ लकड़ी नहीं मिल रही थी, तुरंत मेरे को एक लकड़ी मिला, मैंने उनको यहाँ से हटाया। हटाने के बाद उसके बाद मैंने टेस्ट किया उसको, मेरे को खुद को शौक लगा, उनको भी लगा, जिसका जो मोटर है उनको भी लगा शौक। कितने बजे की बात है? ये 5:30-5 बजे के बीच में हुआ, सुबह के शाम को। इधर गाड़ी बना रहा था तो मैं देखा उसको, तो ये अंकल हटा है, उतने में वो उधर गटर में गिरा, गटर में गिरने के बाद हम लोग इधर उठा के लेके आए उसको, गज बीच के बोला टैक्सी में डाल के लेके जाओ साइन हॉस्पिटल। हाँ वो टैक्सी, हाँ मैं काम कर रहा था इसके लिए गया नहीं। जी मैडम, क्या चोरी का लाइन है, चोरी का मोटर है, बीम्स का कनेक्शन से चोरी का कनेक्शन लेके इलीगल सप्लाई लेके ये लोग महीने का महीना पैसा कमाते। अच्छा, और बहुत से प्रॉब्लम है, समस्या इतनी ये है क्या, इलीगल सप्लाई अगर बोलेंगे तो भी दादागिरी करने के लिए आते, और पुलिस वाले के पास कुछ सुने ये अभी तो चल रहा है, 8-9 साल से चल रहा है। हाँ कौन चला रहा है इसको? ये तो इधर का माफिया चला रहे, पानी माफिया, हर चीज़ का माफिया, इधर बाथरूम का माफिया है, घर का माफिया है, पानी का माफिया है। ये कल माड़ा ट्रांजिट कैम्प में एक 12 साल का लड़का है, उसको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उसका देहांत हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने केस रजिस्टर किया है, आरोपी को तुरंत अरेस्ट किया है। IPC 304 पार्ट सेकंड वो लगाया, उसको कोर्ट में भेजा था, अभी अभी हम लोगों को मालूम पड़ा है उसको 4 दिन का भी पुलिस कस्टडी मिल गया। एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है, इसके लिए पुलिस कस्टडी मिला। लापरवाही का केस, लापरवाही का केस है।
नहीं निकल जाएगा, चार दिन का पीसी मिला है ना उसको, नहीं निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, चार दिन का पीसी मिला है ना उसको। अभी तक एक आरोपी को पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन चालू है, मुल्ला उसका नाम है, पुलिस कस्टडी। नहीं हम लोगों को नहीं मालूम था, ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने वहाँ पे ड्रग्स का चोरी का मारामारी का हमारे से जो रिलेटेड जो कार्रवाई है वो हो गया है, हम लोगों ने MMRDA को भी लिखा है उसके बारे में। नहीं ये काम BST का है, गवर्नमेंट का, महानगर पालिका है, हम लोगों ने रिलायंस वाले जो भी हम लोगों ने MMRDA को पहले इन्फॉर्मेशन दिया है उसका। ये तो BST कार्रवाई करेगी, हम लोग उनको प्रोटेक्शन देते हैं, बार बार दिया भी है, केसेस रजिस्टर किए उन्होंने, आरोपी अरेस्ट किए। वडाला TT पुलिस चौकी के सीनियर इंस्पेक्टर सुहास गरुड़ जी का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उस पर IPC की धारा 304 और सेक्शन 5 के तहत कार्रवाई की गई। आज उसे कोर्ट में हाजिर किया गया जहां कोर्ट ने उसे 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। मुमताज़ ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।